हे गाइज यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइज यार, मैं हूँ डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से मिलियनर स्ट्रेटजी के ऊपर में ट्रेड करने वाले हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, जैसे कोई हॉरिजेंटल लाइन है, रजिस्टेंस एरिया है, ठीक है ना। वहां पर क्या होता है, अगर कोई बायर की कैंडल जा करके एक बार टच करती है, कोई मोमेंटम है पीछे साइड और बायर की कैंडल जा करके यहाँ पे रजिस्टेंस को टच करती है, और रेजिस्टेंस को टच करने, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ चैनल पे बट फिर भी बता देता हूँ। रेजिस्टेंस को टच करने के बाद क्या होता है ना कि सेलर्स की एंट्री होती है और फिर एक और सेलर्स की एंट्री होती है, ठीक है। फिर मार्केट क्या होता है, नीचे फॉल करता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है। फिर कोई जब दोबारा ऊपर मार्केट जाएगा फिर वहां पे कोई बायर बायर ऊपर जाता है ना, और कोई भी अगर बायर की कैंडल फिर से रेजिस्टेंस एरिया क्या करती है, टच करती है रेजिस्टेंस एरिया को। और जैसे रेजिस्टेंस को टच करती है वैसे ही अगर हमें सेलर्स देखने को अगर मिल जाते हैं, एटलीस्ट दो सेलर, मिनिमम दो सेलर हमें चाहिए, ठीक है। तो जब थर्ड अटेम्प्ट होगा ना, जब थर्ड अटेम्प्ट में मार्केट ऊपर जाएगा एंड दोबारा रेजिस्टेंस को टच करने का ट्राई करेगा, ठीक है, हमारा जिस जिस कैंडल पे हम ट्रेड करेंगे वो कैंडल कौन सी होगी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो पहला वाला सिचुएशन क्या था, पहला वाला सिचुएशन ये था कि मार्केट में ऊपर बायर जाएंगे, रेजिस्टेंस को टच करेंगे तो एटलीस्ट दो सेलर आने चाहिए। फिर जब दोबारा मार्केट में बायर रेजिस्टेंस को उसी रेजिस्टेंस को टच करता है और दो सेलर अगर आ जाते हैं सक्सेसफुल्ली, तो थर्ड अटेम्प्ट में जब बायर जाएगा इस लेवल को गलती से, और उसने गलती से भी टच कर दिया, यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, और आपको अगर यहाँ पे एक भी सेलर्स दिख गया, ओनली वन सेलर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल दिख गया कि चलो भैया यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल पे सेल की ट्रेड लगानी है। आपका जो की कैंडल होगा जिस पर आप ट्रेड करोगे वो आपका कौन सा कैंडल होगा, वो आपका ये वाला कैंडल होगा। इस पर आप क्या करोगे गाइज, ट्रेड करोगे, क्या करोगे, ट्रेड करोगे। ओके सो लेट्स गो गाइज, देखते हैं क्या होता है। और ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है यही चीजें क्या होती है उसमें भी लागू होती है। किसमें लागू होती है, तो ये आपका ट्रेड लाइन पे भी सेम काम करता है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे भी सेम काम करता है, मतलब हॉरिजेंटल लाइन पे भी सेम इसी तरह का फंडा अप्लाई होता है और ट्रेड लाइन पे भी सेम फंडा अप्लाई होगा, ठीक है ना। और इसका मनी मैनेजमेंट कैसे करना है तो बहुत ही सिंपल है, पहले आपको डेमो पे ट्राई करना है। एंड इसकी एक्यूरेसी वन स्टेप मार्टेंगल में काम करती है और बहुत ही अच्छा काम करती है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर जो इसकी विनिंग आपको मिलेगी ना ये वन स्टेप मार्टेंगल में मिलेगी। तो यहाँ पे मेरा कैपिटल है बट मैं इसको लो कर देता हूँ, एटलीस्ट आपको यहाँ पे 7,000 का कैपिटल चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इसको 10 रखना, सॉरी इसको 9 रखना है और नीचे वाले को 2 रखना है। जैसे जैसे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ सेम आपको वैल्यू रखना है। तो आपको डेमो में पहले ट्राई करना है, आपको डेमो में रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं तो आपको क्या करना है, अगर आपको डेमो में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं फिर आप यहाँ पे रियल अकाउंट में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और ये मनी मैनेजमेंट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के टॉप पे डाल दूंगा, तो जाकर के इस मनी मैनेजमेंट को डाउनलोड कर लेना एंड इस पर आप मनी को मैनेज करके ट्रेड कर सकते हो। फ्री में ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। और गाइज मैं बता दूँ इसको यूज कैसे करना, आपको यहाँ पे अपना कैपिटल डालना है, एटलीस्ट आपके पास 7,000 का कैपिटल होना चाहिए। पहले आप डेमो में ट्राई करना, उसके बाद आपको यहाँ पर 9:2 रहने देना है, फिर आपको यहाँ पे ट्रेड अमाउंट यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। और आपको अगर पहला ट्रेड अगर आप विन कर लेते हो तो आपको कैप्चा लॉक ऑन करके W टाइप करना, फिर आपको नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आ जाएगा। और आपको भी पता है कि क्वेटेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर में 16 रुपए की ट्रेड नहीं लगती है, तो हम क्या करेंगे इस चीज को स्किप कर देंगे एंड सीधा यहाँ पे W लिख देंगे, ठीक है। इस मनी मैनेजमेंट में खासियत ये है कि अगर आप 9 ट्रेड लेते हो, टोटल 9 ट्रेड लेते हो, उसमें से अगर आप 2 ट्रेड भी विन कर लेते हो तो आप यहाँ पे 1% गेन करोगे। तो दिन का आप कितना गेन करो, एटलीस्ट आप दिन का 3% गेन करो, कितना गेन करो, दिन का आप 3% भी गेन करते हो तो वो काफी है, ठीक है। बिकॉज आप बैंक वगैरह में जाओगे FD वगैरह कराने तो आपको पूरे ईयर में 7% का रिटर्न मिलता है, यहाँ पर डे का 3% 4% गेन करो। इट मीन्स क्या है कि अगर आप यहाँ पे पर डे कितने ट्रेड विन कर लेते हो, तो पर डे अगर आप यहाँ पे 6 ट्रेड विन करके जाते हो, 6 ट्रेड विन कर लेते हो तो आप यहाँ पे इजिली कितना गेन कर सकते हो, 3%। आपको कितना विन करना है, 9 में से 2 ट्रेड विन करोगे तो 1% का गेन होगा, 16 रुपए की ट्रेड नहीं लगेगी, तो सीधा इसको 1 में डाल देना, ठीक है। और अगला ट्रेड अमाउंट फिर आपको आज यहाँ पे 72 रुपीज का आ चुका है, फिर आपको 72 रुपीज का अमाउंट लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल इसको हम ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, डिलीट कर देते हैं, हमारा ट्रेड अमाउंट आ चुका है 71 रुपीज। तो हम चलते हैं अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे, यहाँ पे 71 रुपीज टाइप कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे अपना अपॉर्चुनिटी फाइंड करना है। गौर करो हमें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, कैसे कैसे मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ कुछ भी 100% नहीं होता,
ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्ट्रैटेजी बता दी तो वो गॉड मोड है कि एक बार मिल गया तो पैसा छापने लगोगे। ऐसा होता तो कोई भी पर्सन क्या करता, 10-20 बंदों को हायर कर देता और उसे स्ट्रैटेजी पे काम करवाता, कुछ पैसे दे देता और बाकी सारा प्रॉफिट अपने जेब में रखता। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है गाइस। तो करंट टाइम में देखो मैंने यहाँ पे लेवल क्यों ड्रॉ करा, यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन है कुछ इस हिसाब से। किस हिसाब से दिखाता हूँ मैं आपको, अभी यहाँ पे मार्केट आने में टाइम है। यहाँ ये OTC रियल मार्केट दोनों में अच्छा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल इसको कंसिडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज हमें क्या करना है ना, बायर ने यहाँ टच करा तो हमें यहाँ पे दो सेलर्स चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही सेलर आया है तो यहाँ पे हम नहीं लेंगे, तो एटलीस्ट हमें दो सेलर तो चाहिए ही चाहिए। भले यहाँ पे 10 सेलर हो जाए लेकिन हम उससे मतलब नहीं, हमें एटलीस्ट दो सेलर चाहिए थे, यहाँ दो सेलर नहीं है तो इसको स्किप करेंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या सीन है, यहाँ थोड़ा उल्टा पुल्टा सीन है, छोड़ देता है। ट्रेंड लाइन पे भी सेम काम करता है, मार्केट काफी ज्यादा ट्रेंडी है अभी, तो यहाँ पे थोड़ा फाइंड करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो गाइज मैं काम करता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी वगैरह फाइंड करता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं, मुझे लगता है गाइज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहाँ पे देखो, कहाँ गया चार्ट, आई थिंक यस, यहाँ पर हम एक नेक्स्ट कैंडल बाई के लिए जा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे इस हिसाब से कुछ हॉरिजेंटल लाइन खींचे तो यहाँ नो, यहाँ पे नहीं कर सकते, दिक्कत हो गया। सेलर ने टच करा, यहाँ दो बायर चाहिए थे। ठीक है, तो क्या हुआ है ना कि फिर इसको कंसिडर कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हम यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल गाइस बाई के लिए जा सकते हैं। हम यहाँ पे एक बाई की ट्रेड लगाएंगे, अगर ये लॉस हो जाएगा तो हम मार्टेंगल स्टेप फॉलो करेंगे, लेकिन अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से। ठीक है, हमने यहाँ पे गाइस बाई की ट्रेड क्यों लगाई है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि हम यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन लॉस होगा तो मार्टेंगल लेंगे। ठीक है, और कुछ ऐसा, और अगर आपका मार्टेंगल भी लॉस हो जाता है तो आपको सिंपल सा पेयर चेंज करना है, ना कि आपको वहीं पर ट्रेड करते रहना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हम एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया हमने। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। ठीक है, सेलर ने यहाँ पे टच किया है, दो बायर उठे हैं, फिर यहाँ सेलर ने टच किया, फिर दो बायर उठे हैं, फिर दोबारा जब सेलर टच करेगा तो कितने बायर आएंगे, दो बायर आएंगे। तो यहाँ पे हमें एक बायर मिलके कंफर्मेशन मिल गया, तो नेक्स्ट बायर पे हमने ट्रेड करा है, ये विन होना चाहिए। किसी रीजन से अगर ये लॉस हो जाता है तो वन स्टेप मार्ट एंगल में हम फिर से आपकी ट्रेड लगा देंगे। ठीक है, बट देख सकते हो ये विन हो रहा है, तो ये विन हो ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने मनी मैनेजमेंट पे चलेंगे और इसको यहाँ पे कैप्सल लॉक ऑन करके डब्ल्यू प्रेस कर देंगे। ये विन हो चुका है, अगला ट्रेड अमाउंट 16 रुपये का है जो कि लगेगा नहीं, तो इसको भी हम विन शो कर देंगे और 72 रुपीज की ट्रेड लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गाइज विन हो चुका है, देख सकते हो आपके सामने ये विन हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अगला ट्रेड अमाउंट प्लेस कर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं गाइज क्या होता है। गाइज मेरा नेट थोड़ा काफ़ी स्लो है, सो उसके लिए सॉरी गाइज, और देखते क्या होता है। यहाँ पे गाइस हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाई डायरेक्शन की, बट वन स्टेप मार्टेंगल में मुझे लगता है काम करेगा। देखो क्या है ना, अगर मैं ट्रेंड लाइन को यहाँ पे उठा के रखूँ, कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है, फिर इसको कुछ इस हिसाब से खींचूँ कि ये यहाँ जा करके टच करे एक व्यू से। ठीक है ना, और एक जोन कंसिडर कर दूँ इसको यहाँ पे कुछ इस हिसाब से। ठीक है, तो गौर करो क्या हुआ है ना कि मार्केट में जब भी यहाँ पे गौर करो, एक सेकंड मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा सेट लग गया क्या, नहीं, हाँ मैं लगा लेता हूँ, लॉस होगा तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे बाइक शेट दो ट्रेड लग गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारा नेट थोड़ा स्लो है। देखो मैंने यहाँ पे बाइक की ट्रेड क्यों लगाई है, बहुत ही सिंपल है, लॉस हो जाएगा तो देखा जाएगा। क्या हुआ है यहाँ पे ना, एक सेलर की कैंडल आई, टच करा, दो बायर मिले हैं, फिर सेलर की कैंडल ने टच करा, दो बायर मिले हैं। इट मीन्स क्या है, यहाँ सेलर की कैंडल ने टच करा, हमें एक बायर मिल गया तो हम अगली बायर की कैंडल पे ट्रेड करेंगे और ये विन हो जाएगा श्योर शॉट। बट किसी रीजन से अगर ये लॉस हो जाता है तो हम वन स्टेप मार्टेंगल में फिर बाई करेंगे, और यहाँ दोबारा लॉस हो गया तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, फिर अपने मनी मैनेजमेंट में जाएंगे। कहाँ पे, अपने मनी मैनेजमेंट में यहाँ पे जाएंगे इस जगह पर, और यहाँ पे लॉस लिख देंगे, एल लिखेंगे कैप्स लॉक में, फिर लॉस आ जाएगा। ये मनी मैनेजमेंट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर के टेलीग्राम से इसको ज्वाइन डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ गाइज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट में कुछ भी 100% नहीं होता, इसलिए आपको प्रॉपरली प्रोफेशनली ट्रेडिंग आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेडिंग जीरो टू एडवांस सीखनी है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, तो जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो। वहां पर आप मेरे यूजर नेम पे मैसेज करके बता सकते हो कि भैया मुझे आपका कोर्स परचेज करना है, फिर मैं आपको वहां पे प्रोसेस बता दूंगा कि आप कैसे मेरे थ्रू कोर्स परचेज कर सकते हो, प्रॉपरली ट्रेडिंग मेरे थ्रू सीख सकते हो। और
मेनली जो मैं पैसा चार्ज करता हूँ वो मेरे गाइडेंस का पैसा होता है, ना कि मेरे नॉलेज का, बिकॉज नॉलेज तो कहीं भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो प्रॉपरली कैसे गाइड करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा विन हो चुका है। अगला ट्रेड अमाउंट 16 रुपीज का है, जो लग नहीं पाएगा तो फिर हम इसको विन यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट ट्रेड आ चुका है 73 रुपीज का, हम एक और सेशन करेंगे और निकलेंगे। लाइक दो ट्रेड विन करना है, तो एक ट्रेड विन में भी हमारा काम चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं क्या होता है गाइस। और गाइस ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है, आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड सेल कर रहे हैं, लॉस हो जाएगा कोई बात नहीं, हमारा मनी मैनेजमेंट है। तो फिर से नेट स्लो हो रहा है, कुछ तो दिक्कत है। चलो कोई नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। हमने कहा जहाँ पे सेल की ट्रेड क्यों बनाई है, आपको क्या दिख रहा है, जहाँ पे लेवल्स हैं देखो, हॉरिजेंटल लाइन हमने यहाँ पे पकड़ लिया, लॉस होगा तो कोई बात नहीं है, मार्टिंगल है हमारे पास, ठीक है। देखो हॉरिजेंटल लाइन को पकड़ेंगे कहाँ रखेंगे, तो एक हम रखेंगे बायर्स के पूरे जोन पे, ठीक है। अब गौर करो कि मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिसेंट में जब भी बायर टच कर रहा है, यहाँ दो सेलर हमें मिल रहे हैं, फिर बायर ने यहाँ पे टच पॉइंट दिया तो फिर हमें दो सेलर मिले, फिर दोबारा जब बायर ने टच करा और हमें एक सेलर मिल गए हैं, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम क्या करेंगे गाइस, सेल की ट्रेड लगाएंगे। बट मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, लॉसेस होते हैं, और अगर लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, वन स्टेप मार्टेंगल, और मार्टेंगल भी लॉस हुआ तो पेयर चेंज, सिंपल। लॉस होगा तो दिखा दूंगा, छुपाऊंगा नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करना, लॉस हो जाएगा तो मैं मुझे प्री रेडी रहना पड़ेगा गाइज। लॉस 139 अप्रोक्सीमेटली, इसका डबल ये शिट, कितना नीचे ट्रेड लग गया गाइज, बहुत ही गलत ट्रेड है, बहुत ही गलत एंट्री, एक रिजेक्शन एरिया पे जहां से मार्केट क्या होगा। देखो गाइज कितना जल्दी हमें इस चीज के लिए गाइज रेडी रहना पड़ेगा, बट कोई नहीं, मेरे पास इनफ कैपिटल है, जो अगर ये लॉसेस भी हो, ये पूरा का पूरा ब्लो भी हो जाएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा डिपॉजिट कर लूंगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बट आप ये गलती मत करना, क्या कि आपको प्री रेडी रहना पड़ेगा। अच्छा होगा यहाँ पर ये पूरा ग्रीन ही बन गया और लॉस लग गया तो बात ही अलग है, तब तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमें यहाँ पे 139 इन्वेस्ट करना था, हमने यहाँ पे 140 इन्वेस्ट किया, करीबन 1 रुपया ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे लॉस हो जाता है तो हम नेक्स्ट जगह कहीं पे ट्रेड करेंगे, ठीक है। बिकॉज हमें कितना विन करना है, हमें 9 में से 2 विन करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम 9 में से, देखो क्या होता है कि जैसे आपको ये वाला विन कंप्लीट हुआ ना, यहाँ पे देखो पहला पहला और दूसरा ट्रेड विन हुआ, मतलब हमारा एक सेशन कंप्लीट है। फिर तीसरा और चौथा ट्रेड विन हुआ, 9 में से 2 ट्रेड विन हो गए, हमारा एक सेशन कंप्लीट है। अब हमारा अगला सेशन स्टार्ट हुआ जिसमें हमारे 9 में से 2 विन करने, तो पहला हमारा ट्रेड लॉस हो गया है, अभी भी हमारे पास टोटली 8 अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। हमारा फिर लॉस लगा, हम यहाँ पे फिर से लॉस टाइप करेंगे, हमारा नेक्स्ट ट्रेड अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो चलो 259 रुपीज की हमें, 259 का हमें ट्रेड यहाँ पे लगाना है, ठीक है, 259, ओके। सो लेट्स सी, देखो ये बना तो रेड ही है बट हमारे एंट्री पॉइंट से लॉस हो गया, इट मीन्स क्या है, हमारी स्ट्रेटजी काम कर रही है, वन स्टेप में बहुत अच्छा काम करता है, मैंने खुद ट्राई पर्सनली करा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है गाइस, लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है गाइस मुझे यहाँ पर ट्रेड फाइंड करने में टाइम लगेगा, तो मे बी मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो, और अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्या होगा, बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। लेट्स सी गाइस, यहाँ तो पूरा जगजग मार्केट है, अगर हम स्ट्रेटजी पे ट्रेड करें तो बस हमें स्ट्रेटजी को ही देखेंगे, ना कि किसी तीसरे चीज को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक जोन क्रिएट तो हो रहा है स्ट्रेटजी का, बट थोड़ा सा दिक्कत है, देखो अगर इसको हम उठा करके यहाँ पर रखते हैं और यहाँ टच करवाते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा देखो, अगर ये ग्रीन बन जाती है और उसके बाद सेलर आता है तो अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो दिक्कत है। देखो बायर ने टच करा, दो सेलर की एंट्री, हमें इतना फर्क सेलर से कोई मतलब नहीं है, बायर ने टच करा, दो सेलर की एंट्री, फिर यहाँ पे बायर ने टच करा, यहाँ पे बायर ने टच करा, दो सेलर की एंट्री हुई, फिर यहाँ पर कोई बायर टच कर दे और एक सेलर की एंट्री हो जाए, अगली अगले कैंडल पे हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। बट लेट्स सी क्या होता है, देखना तो पड़ेगा हमें ना।
ऐसे तो नहीं चलता। लेट्स सी क्या होगा, ये तो पूरा मार्केट ही स्टैक है। यहाँ पे भी हमें नहीं मिल रहा कुछ खास। हाँ यहाँ पे फिर हमें मिल सकता, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ले लेते हैं और नीचे एक जोन पकड़ ले, कहाँ से, यहाँ से पकड़ के नीचे तक जोन को और फैला देते हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। इस जोन को टच करके अगर कोई बायर की एंट्री होती है तो अगली कैंडल पे हम बाई करेंगे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज मार्केट में गौर करो, सेलर की कैंडल ने टच करा है, दो बायर की एंट्री हुई। ओवरऑल बहुत बायर है बट सेलर ने टच करा है, दो बायर की एंट्री हुई। फिर दोबारा सेलर यहाँ पर टच करें, दो बायर्स की एंट्री हुई है। अगर यहाँ पे आप दोबारा सेलर्स टच करेंगे और दो बायर की एक बायर की एंट्री होती है तो अगले बायर पर हम ट्रेड करेंगे। तो हमने यहाँ सेटअप डाल दिया है, बाकी जगह तो हमें मिल नहीं रहा सेटअप्स। यहाँ भी सेटअप हमने डाल रखा है। लेट्स सी गाइस क्या होता है। यहाँ भी सेटअप रेडी कर सकते हैं बट कोई फायदा नहीं है। सेलर ने टच करा, दो बायर। गाइस देखो यहाँ तो सीधा विन ही हो चुका है। अब गौर करोगे ना, देखो सेलर ने टच करा, दो बायर, सेलर ने टच करा, दो बायर। जब दोबारा यहाँ सेलर टच किए, एक बार की एंट्री, अब अगले बार पे ट्रेड करते आप विन कर जाते। ठीक है, तो ऑलरेडी ये काम यहाँ पे हो चुका है, तो हमें यहाँ पे दूर रहना पड़ेगा। ये तो पूरा मार्केट का एक डाउनफॉल है। ऐसे मार्केट में पता है ट्रेड करना बहुत सेक्सी होता है, एकदम मस्त की एकदम डाउन का ट्रेंड है। 5 सेकेंड छोड़ो, 5 नहीं, एटलीस्ट 10 सेकेंड या 15 सेकेंड की कैंडल ऑन कर लो, बस अपॉर्चुनिटी फाइंड करो और सेल करते जाओ। एक एक मिनट के लिए सेल करते जाओ, आराम से मार्केट फॉल करेगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम 1 मिनट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम 1 मिनट पर ही करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी क्या होता है। गाइज मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्ले करता हूँ। ठीक है, वेट कर लो। गाइज हम यहाँ पे एक अपवर्ड की एंट्री लगा रहे हैं, लॉस होगा तो मार्टिंगल हमारे पास है। हमने यहाँ पे गाइज अपवर्ड की एंट्री क्यों लगाई है, देखो बहुत ही सिंपल है। ट्रेंड लाइन एक उठाते हैं, ठीक है, मार्टिंगल भी यूज करेंगे, लॉस लग जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको, ठीक है, और कुछ इस हिसाब से इसको मैं खींचूंगा, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ पे नहीं, मैं कहाँ चेकआउट करा था, वेयर इज दैट, नहीं यहाँ नहीं, आई थिंक यही था, इसी पॉइंट को मैंने टच करा था और ये तकरीबन यहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्टिंगल लूंगा डबल अमाउंट के साथ, बिकॉज यही होगा ही। ठीक है, देख लो। तो भाई क्या ही नेट है यार, फिर एंट्री गलत हो जाएगी। कहाँ लगा एंट्री, यहाँ लगाया था मैंने। चलो कोई नहीं, बनेगा तो एक ग्रीन कैंडल ही है, एज आई नो। लेट्स सी, देखते गाइस क्या होता है, क्या हमारा ये विन होता है या फिर लॉस होता है। बिकॉज वही रूल है गाइस कि अगर सेलर की कैंडल ने टच करा है, दो बायर मिला है, फिर यहाँ पर सेलर ने टच करा है, दो बायर मिला है। गौर करो, सेलर ने टच, दो बायर, सेलर ने टच, दो बायर, फिर यहाँ पर सेलर टच किया है, एक बायर आया, लॉस लग गया, मार्टेंगल हमने लिया या विन हो जाएगा। ठीक है, बस एंट्री थोड़ी गलत है। ठीक है, तो गाइस देख लेते हैं क्या होता है। हमारे हिसाब से तो विन होना चाहिए, बाकी एंट्री थोड़ी खराब है, लेट्स सी क्या होता है। और गाइस मैं बता दूं, जिनको ये वीडियो पसंद आ रही है और ऐसे ही कंटेंट, ऐसे ही स्ट्रैटेजी देखनी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी गाइस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और बेल आइकन को ऑन कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके। बाकी गाइस जिनको प्रोफेशनली ट्रेडिंग सीखनी है वो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम के लिंक आपको कमेंट बॉक्स के लाइक डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। तो जा करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो एंड वहां पर आकर के मनी मैनेजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल हमारा यहाँ पे मनी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया, तो इसको हम यहाँ पे सीधा विन डाल लेते हैं और इसको भी विन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सेशन कंप्लीट हो गया, 3% गेन हो गया है और ओवरऑल हम यहाँ पे 3% गेन कर चुके हैं एंड 7000 का कैपिटल था, 7226 आ चुका है। ठीक है, तो चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप सभी के साथ। ओके, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस।